त्योहारों का सीजन आ गया है और जब भी त्योहार का नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है दिवाली। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसका नाम सुनते ही खुशियाँ, मिठाइयाँ और आतिशबाजी के साथ साथ परिवार भी याद आने लगता है। लेकिन कहा जाता है ना कि त्यौहार है और अगर परिवार ना हो तो त्यौहार त्यौहार जैसा नहीं लगता। लेकिन आज हम ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों का परिवार नहीं है फिर भी एक परिवार है। हम हैं भोपाल के लायंस क्लब वृद्धाश्रम में जहाँ पर कई सीनियर सिटीजन रहते हैं। मेरा नाम कविता जैन, मैं यहाँ का मैनेजमेंट देखती हूँ पूरा। और कितने सालों से ये जो वृद्धाश्रम चल रहा है? 2003 से ये वृद्धाश्रम चल रहा है। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? अभी फिलहाल 20 हैं, आते जाते रहते हैं। कुछ लोग चले भी गए हैं, कुछ लोगों के बेटे उनको ले जाते हैं अपने घर, तो इस तरह से कुछ कम भी हो गए हैं। अभी फिलहाल 20। अभी ऐसा है कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, सब लोग त्योहारों में मगन हैं, यहाँ पे दिवाली की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, दिवाली की साफ़ सफाई प्रॉपर यहाँ हो रही है, लाइटिंग वगैरह भी हम लोगों ने कुछ लगा दी, अभी कुछ लगानी बाकी है। और दिवाली के पहले हम लोग इनको नए कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, जो साउथ भोपाल लायंस क्लब भोपाल साउथ की तरफ से होता है। और इसके बाद फिर जब दिवाली के दिन, मतलब दूध से ही इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं, मतलब धनतेरस से ही। और दिवाली के दिन कुछ लोग चले जाते हैं अपने घर, उनके बच्चे आते हैं उनको ले जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साथ ही दिवाली सेलिब्रेट करें। लेकिन जो रह जाते हैं उनके लिए तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा उनको माहौल दें दिवाली का। तो हम लोग शाम को आते हैं, पूजा वगैरह करवाते हैं और दिन के टाइम रंगोली वगैरह सब मतलब होती है। उसके बाद मिठाई भी हम इनको देते हैं, स्पेशल खाना बनवाते हैं। खाने में क्या क्या बनता है? खाने में इन लोगों को ज़्यादा तो देखिए ट्रेडिशनल खाना ही पसंद है, तो पूड़ी है, सब्जी है, दही बड़े हैं, खीर है, इस टाइप की खाने इन लोगों को पसंद है। जो इनको पसंद है हम वही बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो एंजॉय कर पाए। तो अभी सर आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रभात खरे है। आप यहाँ पर कितने टाइम से हैं? मुझे लगभग 2 साल हो रहे हैं। तो आपकी फैमिली कहाँ है? फिर मेरी एक बेटी है वो बेंगलोर में है और उसके हस्बैंड आईटी प्रोफेशनल है, वो भी जॉब में है, उसका एक बेटा है। तो कभी मिलना होता है? बहुत कम, वो लोग तो प्रोफेशनली बहुत बिजी रहते हैं तो बहुत कभी जब ही आ पाते हैं वो। यहाँ पे कैसा क्या माहौल है? यहाँ बहुत अच्छा है सब, और हम लोगों को सब तरह की फ्रीडम है। हम लोग एक बात है यहाँ सब, ये लोग तो जो भी हैं हमारे यहाँ की, जो हमारी मैनेजर हैं या ये डायरेक्टर्स हैं, और ये कविता मैडम हैं और लोग भी हैं, खान साहब हैं, सेठी जी हैं, ये सब हमारा ध्यान रखते हैं। और सभी जो यहाँ जितने रह रहे हैं सब हम लोग एक परिवार की तरह से रहते हैं और हम लोगों को किसी तरह की कोई बंधन नहीं है। यहाँ हम लोग जैसे अपने 2-व्हीलर रख सकते हैं, उससे कहीं हम लोगों को जाना है तो उससे जा भी सकते हैं। क्या फिल्में देखते हैं आप लोग? हाँ, फिल्में तो एक बात है कि उसी पे टीवी पे जो आती है तो वो देखते हैं, कोई अच्छी आती है तो। कौन हीरो कौन पसंद है? अब ये तो हमारे ज़माने का बात थी, तो हमारे ज़माने मुझे तो बलराज सहनी पसंद थे। और हीरोइन? नूतन। और भी लोग हैं हमारे साथ, आपका क्या नाम है? अर्चना चांदोरकर। आप यहाँ कितने टाइम से? 7 साल से। 7 साल से। कैसा क्या आप यहाँ पे रहने का, खाने पीने का? अच्छा है सब। और डॉक्टर वगैरह आते हैं ना? डॉक्टर आते हैं। तो आपको क्या पसंद है, मतलब यहाँ पे आप रह रहे हो इतने टाइम से, तो कैसा क्या रहता है, क्या सुबह उठ के आपकी दिनचर्या क्या है? हमारे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी है बड़ी, वहाँ से बुक्स ले आते हैं, और अपनी भी है अलग से लाइब्रेरी, वहाँ से भी बुक्स आती हैं। बाकी यहीं का काम वगैरह देख के करके बैठे रहते हैं। आप भी फिल्में देखती है? नहीं। क्या हुआ? मैं तो देखती हूँ टीवी। किस टीवी देखते हैं आप? क्या सीरियल भी? कौन सा एक सीरियल या कोई एक मूवी का नाम जो आपको पसंद हो? काहे का सीरियल कौन सा देखती है आप? तो सीरियल वो पुराने अपने स्टार प्लस के सभी देखती। कौन से एक का नाम बताइए? अब ध्यान भी नहीं है, बहुत सालों से देख रहे हैं। हाँ। वो देखा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना? तो बहुत पुराना है। हाँ, वो देखती हूँ। क्या अच्छा लगता है? हाँ, वो बहुत अच्छा सीरियल है। और
हाँ हाँ अच्छा। और मूवी? मूवी तो नहीं कम देखती हूँ क्योंकि सब पुरानी आती हैं इसमें, बहुत पुरानी पुरानी, उसकी तो स्क्रीन ही अच्छी नहीं आती तो टीवी में। हाँ बहुत कम देखती हूँ। तो कोई हीरो है? वजन वजन देखती हूँ। हीरो में तो दिलीप कुमार। आपकी अभी एज क्या है? एज 87। तो अच्छा, दिवाली में आपको खाने में क्या क्या पसंद है? भैया खाने में तो जो मिल जाए, ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। तो भी ऐसा कुछ तो शौक होगा कि नहीं मुझे खीर, खीर वीर, खीर तो बनती है पर खीर तो आए दिन यहाँ भी बनती है, घर से भी आ जाती है, तो ऐसी वो नहीं है कोई। पर हाँ ये है कि दही बड़े वगैरह कम कम बनते हैं ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा पसंद करती। अच्छा आपको ये चाइनीज़ वगैरह पसंद है? नहीं ये मैं बिल्कुल नहीं खाती। मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्या पसंद है? महाराष्ट्रियन। महाराष्ट्र में तो बहुत अलग अलग तरह का तीखा, पूरन पोली का, चकली, ऐसा। को आप यहाँ पे क्यों हैं? वैसे ही हमारे मिस्टर को यहाँ, ये जो जैन साहब है ना, वो पहचान वाले थे, उन्होंने कहा तुम हमारे यहाँ आके देखो, तब वो यहाँ आ गए, उनको यहाँ अच्छा लगने लगा। तो यहाँ रहते हैं, फिर महीने में आठ, मतलब 7-8 दिन चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आना जाना लगा, आना जाना लगा रहता है हमारा। आपका नाम क्या है दादा? अजय दीक्षित। आप यहाँ कब से हैं? मैं 21 मई में आया था। और आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मिसेज थी, वो यहीं भी एक्सपायर हुई अभी पिछले साल फरवरी में। और बच्चे? बच्चा एक है वो बॉम्बे में, पर यहाँ था फिर बॉम्बे चला गया। तो आप उनके साथ नहीं गए? अब बॉम्बे में उसको अपने काम से गया, वहाँ तो मुझे रहने की दिक्कत, तो यहाँ रह रहा हूँ, अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिवाली कैसे मनाते हैं? दिवाली में भी आ जाते हैं सब, मैडम और जैन साहब भी आते हैं, ऊपर पूजा करते हैं, अपने कमरे में करो, अपने कमरे में करो, सब सामूहिक का पूजा करते हैं दिवाली। पटाखे फोड़ते हैं आप लोग? पटाखे थोड़ी बहुत कहीं फोड़ते हैं, नहीं फोड़ते हैं, फुलझड़ी वगैरह लेके सब करते हैं। तो आपको शौक है पटाखे फोड़ने का? था पहले शौक, अभी भी ज़्यादा नहीं है। तो अच्छा यहाँ पे जो ये पूरा परिवार है, तो परिवार का मुखिया जरूर होता है कोई ना कोई, आपके परिवार का मुखिया कौन है? ये परिवार का मुखिया एक्चुअली क्या है कि जो एक मतलब जो सबसे पुराने हो जाते हैं वो अपने आप को मुखिया मानने लगते हैं, तो नीचे का जो फ्लोर है उसका मुखिया तो सबसे पुरानी आंटी है, इतने सालों से रह रही है, कोई आता है भी नहीं, कोई आता है या कोई किसी को कुछ बोलना है या मुझे इन्फॉर्म करना है, तो आंटी ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। और ऊपर है जो मतलब एक है कौशल आंटी, वो काफ़ी टाइम से रह रही हैं, तो वो अपना दबदबा बना के चलती हैं, वो किसी को ज़्यादा टिकने नहीं देना चाहती हैं, थोड़ा लड़ाई भी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है हर कोई से, लेकिन ठीक है फिर भी लोगों का टाइम पास है, अच्छा लगता है सबको इस परिवार में। तो ये जो आपकी ऐसे लड़ाई होती है, तो आप तो है नीचे की मालकिन, कौशल आंटी है ऊपर की मालकिन। हाँ। तो कैसे लड़ते कैसे आप लोग, मतलब सॉल्व कैसे करते? मैं कभी जा नहीं पाती इस मौके में, वो तो रेडियो मुंह, उनका तो मुंह चलता है बहुत, कौशल कौशल का तो मुंह बहुत चलता है ना, उसमें जो मन में आए बोलना, जो मन में आए नीचे वालों से उनकी झगड़ा नहीं, हमारे से कोई नहीं करता। आप तो यहाँ पे सबसे बुजुर्ग है, सबसे पुराने हैं, तो आपको रोक चोक जमाते तो होंगे। दो बात है ना, व्यवहार भी तो अच्छा होना चाहिए। तो अगर कोई गलती करता है तो फिर उसको बताते कैसे आप? नहीं नहीं बताते। तो इसको कहती हैं प्रेमलता कि उसको समझा दो। यहाँ पे जब ऐसे लड़ाई होती तो आप उनको संभालते कैसे हो? हाँ ये एक बहुत मुश्किल काम रहता है मेरे लिए, एक चैलेंज रहता है, क्योंकि मेरे पास जैसे लड़ाई होती, किसी भी टाइम कॉल आ जाता है कि ये मुझसे लड़ रही हैं, या इनने मुझे गिरा दिया, या इनने मेरी स्टिक ले ली, मतलब ये बच्चों की तरह लड़ते भी हैं, लेकिन वो एक इनका शायद टाइम पास भी हो जाता है उस लड़ाई झगड़ा में। हाँ मैं आती हूँ, मैं थोड़ा बहुत उनको समझा देती हूँ कि आपने इनको क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, तो पता नहीं वो मेरी बात सुन के वो समझ जाते हैं और वहीं लड़ाई उनकी खत्म हो जाती है। अच्छा आप ये तो बताइए, आप लोगों को मिठाई में क्या पसंद है? कुछ भी, बंगाली मिठाई। बंगाली मिठाई जो ऐसी तिरछी वाली आती, ऐसी आती ना, गोल गोल। अच्छा, राउंड। हाँ वो चम चम। हाँ अच्छा, आपको क्या पसंद? मुझे पसंद तो रसगुल्ला था, पर अब डायबिटीज हो गई तब तो खा ही नहीं पाते।
तो तो फिर मीठा खाने का मन करता है तो क्या करते? अब मन करता है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, कभी टोकता नहीं? नहीं टोकता है तो खैर है, वो अगर उसके टेबलेट भी चलती है मेडिसिन, और फिर वो एक्सरसाइज वगैरह करके वॉकिंग करके उसको सब नॉर्मल कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे मनोरंजन कोई है जिसको नाचने का गाने का शौक हो? हाँ, गाने वाले तो हैं कुछ लोग, अब डांस वाले तो अब नहीं रह गए क्योंकि बुज़ुर्ग लोग अब डांस तो नहीं कर सकते इस एज में, पर हाँ गाने के कुछ लोग शौकीन हैं और वो हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं उसमें अपने परफॉर्मेंस वो देते रहते हैं टाइम टू टाइम। कौन है गाने वाला? एक आचार्य अंकल हैं और एक संजय अंकल हैं, वो भी अच्छा गाते हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो हमारे साथ है संजय जी जो बहुत अच्छे सिंगर है और हम नीचे इनकी तारीफ सुन के आए तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि गाना सुनने के लिए। कहाँ से हैं सर आप? ये इंदौर के प्रॉपर एजुकेशन उज्जैन में हुई और इंदौर में जॉब इंदौर में रहा, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में सब इंजीनियर। और कितने सालों से यहाँ पर हैं? यहाँ पे भोपाल में 2005 से, यहाँ पे हो गया सवा साल हो गया, सीनियर सिटीजन होम में सवा साल हो गया। ये गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? गाने की जाल सेवा निकेतन में पढ़ता था मैं, तो वहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते रहते थे तो उसमें सबको अवसर मिलते रहते थे, तो मेरा मौका आया तो मैं चले गया और टेबल पर खड़ा हो गया, जबकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कभी कभी सार्वजनिक रूप से गाऊँ या कुछ करूँ। वो पहला मौका था ऐसा जो मैं स्टेज पर चला गया और वो गाना शुरू हो गया, वो पूरा गाना गा दिया मैंने। तो आप जब अभी मेरे को याद भी नहीं था किसे गाया मैंने, क्या करा, कुछ भी याद नहीं मेरे को, पर मैं एक मूड था और जाके गा दिया मैंने स्टेज पे। आप कैसे आपको कैसे दिवाली मनाना पसंद है? मैं तो सबके साथ में ही इंजॉय करना चाहता हूँ, पटाखे फूटे ये हो, बच्चे पटाखे फोड़े, ये मिठाई वगैरह खाएं, ये करें, इंजॉय करें। अपनों की तो याद होता आती है, तो घर पे घर की याद आती है आपको? घर की याद आती है, वो अपनों की मिलना वगैरह ऐसे त्योहारों पे घर नहीं होता है तो कैसे क्या कैसे मैनेज करते हैं इन सबको? फोन से बात कर लेते हैं, बधाई दे देते हैं दिवाली की। और बाकी मिलना भी अगर हुआ तो मिल लेते हैं। अच्छा अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट पसंद है आपको? हाँ क्रिकेट के मैच देखता हूँ मैं। क्या देखते क्रिकेट में? वर्ल्ड कप देखा था, आईपीएल देखा? हाँ वर्ल्ड कप देखा था, आईपीएल के भी कुछ मैच देखे थे। कौन सा प्लेयर पसंद है आपको? विराट कोहली का गेम पसंद है ज़्यादा। अभी तो चल रहा है टेस्ट मैच चल रहे हैं अभी तो। अभी ये न्यूजीलैंड के साथ सीरीज चल रही है, अभी पहला मैच हार गए अपन। वो क्या होता है जैसे फाइटिंग करते करते कभी कभी आदमी कोलैप्स होने लगता है, तो उसमें उसको ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले की रणनीति कैसी है, अपनी रणनीति कैसी है, उस हिसाब से खेलना पड़ता है। एकदम से आप फॉरवर्ड खेलोगे तो एकदम से बेक हो जाओगे। नई मूवीज देखते हैं आप आज? नई तो 80s के बाद के तो ध्यान याद लफ्ज़ों पे नहीं चढ़ते हैं गाने, वो कहा ना ओल्ड मूवी जो चढ़ती है दिमाग में आती है तो वो ही गाता हूँ। आजकल के गाने अच्छे नहीं लगते? लगते अच्छे हैं लेकिन जवान पे गाने में मज़ा नहीं आता, उसमें वो साहित्य वो एक कशिश जो रहती है वो नहीं रहती है। थोड़ी देर के लिए गा लिया और छोड़ दिया, और ये कैसे अमर है हमेशा के लिए, आप कितनी बार भी गाओ आप बोर नहीं होगे। तो ये बहुत अच्छी बातचीत रही, कई कहानियाँ हैं जो निकल के बाहर आई है, साथ ही त्यौहार में कैसे मनाया जाता है यहाँ पे, त्यौहार में क्या खाते हैं क्या पीते हैं, डेली रूटीन क्या है, इन सब के बारे में हमने बात की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है, देखते रहिए नेशन मिरर।